हेलो प्यारे बच्चों कैसे हैं आप लोग देखिए आज हम आ चुके हैं क्लास नाइन एन सी आर टी मैथ एक्सरसाइज इलेवन पॉइंट थ्री का वीडियो का पार्ट फोर इसको लेके इसके पहले के थ्री वीडियो में यानी वीडियो के पार्ट वन टू थ्री में क्वेश्चन नंबर सेवन तक के क्वेश्चनों को हमने सॉल्व किया अभी ये वीडियो का लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर एट और नाइन हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे और इसके साथ ये एक्सरसाइज आपका समाप्त हो जाएगा तो देखिए क्वेश्चन नंबर एट हमने यहाँ राइट कर रखा है बच्चों इफ दाएंगल इन क्वेश्चन सेवन एंड एट तो देखिए जो हमारा ट्राइंगल था क्वेश्चन नंबर सेवन का उसमें आपको पता है थ्री साइड थे ठीक है ना उसमें एक साइड आपका ट्वेल्व सेंटीमीटर था सेकेंड एक साइड में फाइव सेंटीमीटर था और एक थर्टीन सेंटीमीटर इस तरह के तीन साइड थे फाइव सेंटीमीटर ट्वेल्व सेंटीमीटर थर्टीन सेंटीमीटर क्वेश्चन नंबर सेवन हमने क्या किया था इसको ट्वेल्व सेंटीमीटर के अबाउट रिवॉल्व किया था लेकिन क्वेश्चन नंबर एट में क्या कह रहा है आपको फाइव सेंटीमीटर के ये फाइव सेंटीमीटर वाला हाइट का, का काम करेगा इसलिए इस तरह से भी जो हमको फिगर मिलेगा वह अभी क्या होगा एक कोन ही हो जाएगा राइट बच्चों डिफरेंस क्या होगा वहां पे जो हाइट था वो यहां रेडियस हो जाएगा और जो रेडियस था वो हाइट हो जाएगा ठीक है ना तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं देखिए इफ द ट्रायंगल राइट सॉल्यूशन इफ द ट्रायंगल इन क्वेश्चन नंबर सेवन क्वेश्चन नंबर सेवन रिवॉल्व अराउंड द साइड अराउंड द साइट फाइव सेंटीमीटर इन सच कंडीशन इन सच कंडीशन सॉलिड सो आप विल बी सॉलिड टेंड विल बी आल्सो आ कौन आल्सो आन तो अब इस तरह से जो हमको कौन मिला उसका रेडियस क्या हो जाएगा रेडियस आन आर इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ कौन यानी एच की वैल्यू हो जाएगी 5 सेंटीमीटर अब आपको इसका निकालना है वॉल्यूम तो वॉल्यूम के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा वॉल्यूम आप कौन यानी इसका फार्मूला हम अप्लाई करेंगे वन बाई थ्री पाई आर स्क्वायर एच तो पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी ट्वेंटी टू बाई पाई रहने दीजिए आप पाई की वैल्यू रखनी नहीं है ठीक है ना तो आर की वैल्यू ट्वेल्व ट्वेल्व इंटू ट्वेल्व और एच की वैल्यू क्या है फाइव है थ्री से हमने कैंसिल किया फोर हो गया तो ये कितना आ गया पाई इंटू ट्वेल्व और फोर फाइव जो है ट्वेंटी तो इस तरह से बच्चों देखिए टू हंड्रेड फोर्टी ये आ जा रहा है ऑफ कौन अब देखिए क्वेश्चन का एक पार्ट और है इसमें कह रहा है कि आपको रेशियो निकालनी है तो जो रेशियो रिक्वायर्ड रेशियो है वो क्या है वालूम आप कौन इन क्वेश्चन नंबर सेवन वालूम आप कौन इन क्वेश्चन नंबर सेवन दिस विल बी डिवाइड एट आपको याद आ रहा होगा क्वेश्चन नंबर सेवन में जब हमने वालूम का कैलकुलेशन किया था वीडियो के पार्ट थ्री में ठीक है ना तो वहां हंड्रेड पाई आया था और यहाँ पे टू हंड्रेड फोर्टी पाई आया तो बच्चों थोड़ा सा इसको अच्छे से समझना है तो क्वेश्चन नंबर सेवन का भी सोल्यूशन आप देख लीजिएगा वीडियो के पार्ट थ्री में जाके उसके आगे का पार्ट यहाँ पे हमने किया हुआ है ठीक है ना तो पाई से पाई कैंसिल कर दीजिए जीरो से जीरो कैंसिल कर दीजिए टेन अपॉन ट्वेंटी फाइव हो ट्वेंटी तो फोर हो जाएगा टू से डिवाइड कर दीजिए फाइव ये ट्वेल्व फाइव अपॉन ट्वेल्व आ गया इस तरह से जो हमारा रेशियो गेन हुआ दैट इज फाइव इज टू ओके देन जो रेशियो हमारा आया ठीक है ना क्वेश्चन नंबर सेवन और क्वेश्चन नंबर एट जो वालों हमने निकाला था वो फाइव इस टू तो ट्वेल्व आ गया बच्चों तो ये था क्वेश्चन नंबर एक, आप समझ पाएंगे पेपर पेन उठाइए सॉल्व करिए कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी बस वीडियो को लगातार वॉच करना है शेयर करना है कमेंट करना है और सब्सक्राइब करना है इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नाइन लेके बच्चों देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर नाइन हमने यहाँ राइट कर रखा है फॉर्म ऑफ अट डायमीटर इज टेन पॉइंट फाइव मीटर एंड हाइट इज थ्री मीटर फाइंड इट्स वॉल्यूम द हीप इज टू बी कवर्ड बाय कैनवास टू प्रोटेक्ट फ्रॉम रेन फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड आइए बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसका सलूशन क्या हो सकता है तो देखिए क्वेश्चन नंबर नाइन का सलूशन करते हैं तो इसमें क्या क्या पता हमको? सबसे पहले डायग्राम बना के देख लेते हैं बच्चों ताकि क्लियर हो जाए देखिए ये इस तरह का हीप है वेट का इसकी हाइट दे रहा है थ्री मीटर ओके okay, ये थ्री मीटर की हाइट होगी और इसका जो डायमीटर दे रहा है बच्चों ये मीटर ओके okay. ये कुछ तरह का जो सेप बना रहा है ये कौन का सेप बना रहा है क्वेश्चन के गार्ड ठीक है ना इन द फॉर्म वहां पर कौन तो सोलूशन में देखिए डायमीटर ऑफ कौन यानी डी की वैल्यू कितना दिया हुआ टेन पॉइंट फाइव मीटर आपको रेडियस पता करना है रेडियस आप कौन जस्ट हाफ कर देंगे डायमीटर का यानी ये हो जाएगा फाइव पॉइंट टू फाइव मीटर राइट और हाइट तो दिया ही है हाइट आप कौन ये चिकल टू कितना दिया है ये तो आर की वैल्यू हो गई रेडियस यच की वैल्यू हो गई थ्री मीटर वालूम पता करना है वेरी सिंपल वालूम ऑफ द कोन ये हो जाएगा थ्री पाई yes. की वैल्यू आपको पता ही है ट्वेंटी टू बाई सेवन राइट करते हैं अब देखिए आर की वैल्यू यहां पे कितना फाइव पॉइंट टू फाइव स्क्वायर है तो टू टाइम लिख दीजिए फाइव पॉइंट टू फाइव और ये एच के वैल्यू थ्री दिया हुआ इतना मीटर क्यूब हो जाएगा बच्चों ठीक है ना अब देखिए यहाँ थ्री से थ्री को कैंसिल कर सकते हैं सेवन से इसको कैंसिल करेंगे तो सेवन सेवन या फोर्टी नाइन और सेवन फाइव या थर्टी फाइव ये आ जाएगा आपका जीरो पॉइंट सेवन फाइव इस तरह से जो नंबर बचा ट्वेंटी फाइव पॉइंट टू फाइव इंटू जीरो पॉइंट सेवन फाइव ओके इतना मीटर क्यूब हो गया है मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है तो सबसे पहले तो 5.25 पॉइंट टू इसका मल्टीप्लाई ट्वेंटी टू में करते हैं ठीक है ना तो कितना आ जाएगा देख लीजिए इस तरह से कुछ नंबर आएंगे आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा वन फिफ्टीन पॉइंट फाइव जीरो अभी इसको ज़ीरो पॉइंट सेवन वन फिफ्टीन पॉइंट फाइव जीरो को ज़ीरो पॉइंट सेवन से भी मल्टीप्लाई करना है राइट right, बच्चों तो देखिए कितना आता है फाइव जीरो जा जीरो फाइव फाइव जा ट्वेंटी फ़ाइव फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव टू ट्वेंटी सेवन फाइव वन जाव टू सेवन फाइव वन जा फाइव ठीक है ना इसके अलावा सेवन जीरो जा ज़ीरो सेवन फाइव या थर्टी फाइव सेवन फाइव या थर्टी फाइव थ्री थर्टी एट सेवन वन जावन थ्री टेन यहाँ हो जाएगा सेवन वन जाए सेवन वन एट ज़ीरो फाइव सेवन फाइव ट्वेल्व यहाँ हो जाएगा एट सेवन फिफ्टीन वन सिक्सटीन सिक्स एट वन टू थ्री फोर एट्टी सिक्स पॉइंट सिक्स टू फाइव मीटर क्यूब एट्टी सिक्स पॉइंट सिक्स टू फाइव मीटर क्यूब ये तो वालों फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया अभी इसमें क्या पूछ रहा है इसको कवर करना है कैनवास से तो कैनवास से कवर करना है तो कैनवास का जो एरिया होगा वो करो सरफेस एरिया के बराबर होगा ठीक है ना तो उसके लिए आपको स्लेंट हाइट का पता लगाना पड़ेगा ठीक है ना स्लेंट हाइट आप कोन यानी यल का अगर पता लगाना हो आपको ऑलरेडी फार्मूला पता है यच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आप कर देते हैं वैल्यू कितनी है ये थ्री है थ्री का स्क्वायर कर दीजिए और आर की वैल्यू कितनी है है इसका भी स्क्वायर आपको करना पड़ेगा ठीक है ना तो ये हो जाएगा नाइन तो हो गया अब फाइव पॉइंट टू फाइव का स्क्वायर करना पड़ेगा तो देखिए कितना आएगा करके देखते हैं यहाँ पे रफ वर्क कर लेते हैं फाइव पॉइंट टू फाइव मल्टीप्लाई बाई फाइव पॉइंट टू फाइव 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 या ट्वेंटी फाइव फाइव टू ज़ा टेन टू ट्वेल्व फाइव फाइव या ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स हो गया ठीक है ना इसके बाद देखिए ये फाइव टू 10 टेन टू टू जो फोर वन फाइव फाइव टू टेन ये डबल क्रॉस कर दीजिए फिर यहाँ पे आ जाइए फिर आ जाएगा वही फ़ाइव फाइव या ट्वेंटी फ़ाइव फाइव टू जै टेन टू ट्वेल्व फाइव फाइव या ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स फाइव टू या हो जाएगा सिक्सटीन या फाइव या सेवन या टू यानी वन टू थ्री ट्वेंटी सेवन पॉइंट फाइव सिक्स टू फाइव ट्वेंटी सेवन पॉइंट फाइव सिक्स टू फाइव ये हो जाएगा ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा ये ऐड करने पे आ जाएगा थर्टी सिक्स पॉइंट फाइव सिक्स टू फाइव अभी इसका अंडर रूट निकालेंगे ये एल की ऑलू आएगी ओके तो अंडर रूट निकालना है तो निकालते हैं चलिए कितना है तो बच्चों देखिए हम स्क्वायर रूट निकालना है हमको थर्टी सिक्स पॉइंट फाइव सिक्स टू फाइव का आइए सॉल्व करते हैं इसको ताकि एल की वैल्यू हमारी आ जाए थर्टी सिक्स पॉइंट फाइव सिक्स टू फाइव ये होगा पहले यहाँ पे देखिए पेयर बनाइए सिक्स सिक्स या थर्टी सिक्स हो जाएगा फिर यहाँ सिक्स ऐड हो जाएगा आके पॉइंट लगा के फिफ्टी सिक्स उतारते हैं तो अब देखिए यहाँ कोई भी नंबर लिखेंगे फिफ्टी सिक्स ज़्यादा होगा तो ज़ीरो लिख देते हैं ठीक है ना तो ये दूसरा नंबर भी आ जाएगा अब इसको आप ले जा सकते हैं फोर्थ टाइम ठीक है ना तो हो जाएगा फोर फोर जा सिक्सटीन ट्वेल्व फोर जा फोर्टी एट यहाँ आ गया नाइन यहाँ हो गया टू ठीक है ना नाइन यहाँ बचेगा ये सिक्सटीन माइनस एट तो एट हो जाएगा एट ज़ीरो नाइन अब देखिए डबल ज़ीरो फिर बढ़ा दीजिए यहाँ पे फोर ऐड कर दीजिए ट्वेल्व ज़ीरो एट आ जाएगा अब कितनी बार जाएगा सिक्स टाइम जा सकता है सिक्स सिक्स जा थर्टी सिक्स सिक्स जा फोर्टी एट थ्री फिफ्टी वन और सिक्स टू जा ट्वेल्व सिक्स वन जा सिक्स वन सेवन ये लगभग आ गया जी सिक्स पॉइंट जीरो फोर सिक्स ठीक है ना यानी इसको लिख सकते हैं यल की वैल्यू नियर अबाउट सिक्स पॉइंट जीरो फाइव इतना मीटर यल की वैल्यू का और आपको पता क्या करना है आपको एरिया ऑफ आप कैनवास रिक्वायर्ड पता करना है तो एरिया ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड दिस विल बी इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्या की ये जो कोन बन रहा है इसका कोन की कर्व सरफेस एरिया के बराबर तो पाई इंटू आर इंटू यल पाई की वैल्यू लिख दीजिए ट्वेंटी टू अपॉन सेवन और आर की वैल्यू कितनी है फाइव पॉइंट टू फाइव यहाँ से देखिए एल की वैल्यू आ गई सिक्स पॉइंट जीरो फाइव अब देखिए इसको फाइव पॉइंट टू फाइव को तो कैंसिल कर सकते हैं सेवन से जीरो पॉइंट सेवन फाइव आ जाएगा अब ट्वेंटी टू का जीरो पॉइंट सेवन फाइव में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको ठीक है तो यहाँ पे देखिए रफ वर्क करते हैं ट्वेंटी टू जीरो पॉइंट सेवन फाइव ठीक है ये आ जाएगा जीरो फाइव सिक्स वन सिक्सटीन पॉइंट फाइव जीरो और सिक्सटीन पॉइंट फाइव जीरो का फिर सिक्स पॉइंट जीरो फाइव में मल्टीप्लाई करेंगे देखिए इसका मल्टीप्लाई हो गया सिक्स पॉइंट सिक्सटीन पॉइंट फाइव ज़ीरो का सिक्स पॉइंट जीरो फाइव से मल्टीप्लाई कर दीजिए ठीक है तो देखते हैं कितना आता है फाइव जीरो जो जीरो फाइव फाइव या ट्वेंटी फाइव फाइव सिक्स या थर्टी थर्टी टू फाइव पॉइंट या फाइव थ्री एट ठीक है यहाँ पे कैंसिल करिए ज़ीरो 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 लिखिए फिर डबल कैंसिल करिए सिक्स ज़ीरो या जीरो सिक्स फाइव थर्टी सिक्स सिक्स जा थर्टी सिक्स थर्टी नाइन सिक्स वन जो सिक्स नाइन ये ऐड करिए जीरो फाइव टू एट नाइन नाइन यानी वन टू थ्री फोर नाइन्टी नाइन पॉइंट एट टू फाइव नाइन्टी नाइन पॉइंट एट टू फाइव मीटर स्क्वायर इतने एरिया के कैनवास की रिक्वायरमेंट होगी क्या करने के लिए हीप को कवर करने लग के लिए ताकि इसको रेंज से बचाया जा सके तो बच्चों इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज इलेवन पॉइंट थ्री यहाँ पे फिनिश होता है ठीक है इसके बाद के एक्सरसाइजों के लिए जल्दी आपसे मिलते हैं तब तक आप लगातार पेपर पेन उठाइए प्रैक्टिस करते रहिए ओके बाय बाय बच्चों